धन्यवाद सुबोधकांत जी, मैं अभी अनुरोध करूंगा अमृता धवन जी आए आपको। अमृता धवन जी, मंच पर उपस्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, सम्मानित मंच और आज सभा में उपस्थित कांग्रेस जन जो देश के कोने कोने से आज यहां पर उपस्थित हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि आज एक ऐसे ऐतिहासिक पल में मुझे अपनी बात जो राजनीतिक प्रस्ताव है उस पर बोलने का यह मौका मिला है। मैं अपने शेर से बात को कहना चाहूंगी कि एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो। हम कहते हैं भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो, वो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो। हम कहते हैं धर्म और जाति से इंसान की पहचान गलत, वो कहते हैं सारे इंसान एक ये ऐलान गलत। हम कहते हैं बेघर बेघर लोगों को आबाद करो, वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। अब इस मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है तुम कौन सी आवाज सुनो तुम क्या मानो। आज ये देश जिस स्थिति पर आकर खड़ा है, मैं मानती हूं कि एक वो देश था जो 1947 में राजनीतिक रूप से सशक्त बनकर निकला था, जिसे पंडित नेहरू जी ने एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया था, और आज वो देश है जो वर्तमान के नेता, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर इस देश के अंदर लगातार विभाजन हो रहा है। कभी कभी विभाजन दिखता है तो दर्द होता है, लेकिन ये वो विभाजन है जो अंदर ही अंदर इस देश की जमीन को खत्म कर रहा है, जो अंदर ही अंदर इस देश के लोगों के मन में नफरत का बीज बो रहा है। एक ऐसा लोकतंत्र हमने स्थापित किया, एक ऐसा संविधान इस देश को दिया कि आज कई हजारों साल बाद भी कोई अगर इस देश पे राज करेगा तो संविधान उसको डेमोक्रेसी कन्वर्ट करके डिक्टेटरशिप नहीं करने देगा। ये वो लोग हैं जो इस संविधान के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति के अंदर थोड़ा बहुत फेर बदल चलता है, लेकिन देश की राजनीति आज वर्तमान में इस जगह पहुंच गई है कि इन लोगों ने देश के संविधान के साथ खेलना शुरू कर दिया है। आज जरूरी है कि इस देश के ताने बाने को बचाइए, आज जरूरी है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है उस पर जो चोट लगी है हम उसको बचाने का काम करें, आज जरूरी है जो लगातार न्यायपालिका के ऊपर आहत हो रहा है और जुडिशरी के जरिए जो पूरे देश को कंट्रोल किया जा रहा है, जो सरकार द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, आज जरूरी है कि हम उसके खिलाफ खड़े हों। आज जरूरी है कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो सोनिया गांधी जी का सपना रहा है, जिन्होंने हमेशा प्रतिनिधित्व की बात करी है, जिन्होंने हमेशा कहा कि लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा के अंदर महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, आज जरूरी है कि हम उस देश की बात फिर से करें। अगर इस सरकार को चेताना है तो हम यहाँ पर बैठे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह संकल्प लेना होगा, ये संकल्प लेना होगा कि इस देश के अंदर ये बंटवारा नहीं होने देंगे। जो सोच के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ये संकल्प लेता है कि हम इस देश के अंदर ये वापस नहीं होने देंगे, और हम इस देश के अंदर वापस से भारत जोड़ो यात्रा का जो संकल्प है राहुल जी का उसको आगे लेके जाएंगे, उस देश की अखंडता को ऊपर करेंगे। समय का अभाव है क्योंकि सर मेरे साथ यहाँ पर आकर खड़े हैं,
बोलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मुझे इतना भी अवसर मिला, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।